फिर एक बार पानी के टैंक में एक व्यक्ति चढ़ जाने से इलाके में सनसनी मच गई है। ये मामला कालचीनी रेलवे स्टेशन के पास में प्रकाश में आया है। बताया गया है एक व्यक्ति पिछले दो दिनों से कालचीनी रेल स्टेशन के पास स्थित एक अनुमानित 60 फुट लंबे पानी के टैंक में चढ़ गया था। मालूम हुआ कि कालचीनी थाना के अधीन इलाके में पिछले एक महीने के भीतर इस तरह टैंक में चढ़ने का ये तीसरा मामला सामने आया है। इस घटना में भी टैंक में चढ़े व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद कालचीनी थाना की पुलिस, हाँसीमारा दमकल कर्मी साथ ही रेल पुलिस मौके पर पहुंच उस व्यक्ति को नीचे उतारे जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद उसे किसी तरह नीचे उतारा जा सका। लोगों की माने तो ये वही चूहापारा का रहने वाला बंकू महाली है जो पहले भी एक बार पानी के टैंक में चढ़ा था। इधर पानी के टैंक से उतर जाने से सभी ने राहत की सांस ली है। सोमवार को बोला जे पागल टंकी पर उठा है, तब जाके देखा तो कभी सो जाता है, कभी घूमता है ऐसे। और उसका बाद हम लोग बुलाने कोशिश किया, नहीं उतरा। उसका बाद थाना को इन्फॉर्म किया, हम लोग हाँसीमारा IPF को इन्फॉर्म किया, लोकल आया, फायर ब्रिगेड भी आया, उसको भी इन्फॉर्म किया। वो लोग कोशिश किया, तब बोल रहा है जे नहीं चाहो नहीं चाहो, हम तीन दिन रहेगा ऐसे बोल रहा है। आगे एक साधु उतराने जा रहा है तो कुछ दिन कुछ दूर चाघा सीढ़ी पर वो बोल रहा है मत चाहो हम तीन दिन रहेगा, उसके बाद उतर जाएगा ऐसे बोल के। तो यही अभी वीडियो साहब भी बोला जे देखो तीन दिन का बात बोल रहा है, थोड़ा अपजान में रखो, अभी उतराने जाने से कहीं डेक दिया तो लाइफ रिक्स हो जाएगा और मर जाएगा। ये परिचय नहीं मिला, लेकिन बहुत कोई बोल रहा है चुआपड़ा का है, चुआपड़ा का है, और इसे टंकी पर उठता है, वो उठ के वहाँ ही रहता है, खाना उना कुछ नहीं लगता है उसको, वो इसे ही रह जाता है। अभी तीन दिन रहेगा बोला, सोमवार को उठा, आज तो मंगलवार है, कल बुधवार, ये बुधवार तक देखेगा।